हाथरस जिले के कोतवाली सादाबाद के हाथरस रोड स्थित एसडीएम आवास के सामने स्थित कॉलोनी सुनीता एन्क्लेव के बराबर से राजवीर सिंह का मकान है, जहां से कुछ लोग उनकी नातिन कनिष्का का अपहरण करके ले जा रहे थे, जिसकी भनक परिवार वालों को लग गई। परिवार वालों ने अपहरणकर्ताओं का पीछा किया तो एक युवक को मौके से पकड़ लिया, बाकी भाग जाने में सफल रहे। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के अपहरण के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा बाकी दोनों युवकों की तलाश जारी है। मामले की रिपोर्ट पीड़ित के तहरीर के आधार पर दर्ज कर ली गई है। संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। बच्ची को चोरी लग लिया था अपन करके, वो पकड़ा गया, क्या मामला है? इसमें एक 4 साल की बच्ची दुकान पे कहीं जा रही थी, तो 3 लोगों ने उसको देखा, 10 रुपये दिए और उसको कहीं लिया नहीं लगी, तभी उन्हें पब्लिक आगे और एक व्यक्ति को पकड़ा गया, अन्य 2 लोग भाग गए। भैया नाम क्या आपका? नाम राजवीर सिंह। भैया क्या मामला था, जो आदमी पकड़े लाए थाने में, क्या मामला था? मेरी नातनी गेट पर खड़ी थी, 3-4 लोग आए और उसे पैसा दिखा करके किडनैप की नियत से उसको ले जा रहे थे। घर वालों को पता लग गया, तभी मारपीट करके उनको छोड़ के भाग गई। उनमें से एक बंदा पकड़ लिया, वो पुलिस के हवाले कर दिया। तो अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है? अब ये पुलिस के ऊपर है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम था नाती? कनिष्का। कितनी साल होगी? 3.5 साल की।